क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में गेंदबाज एक ओवर में 6 लीगल गेंद फेंकता है। इन गेंदों के दौरान अगर कोई गेंद वाइड या नो बॉल हो जाती है तो गेंदबाज को फिर से वो गेंद डालनी होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक तेज गेंदबाज ने अपना ओवर पूरा करने के लिए 17 गेंदें फेंकी थी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस गेंदबाज ने ये शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया था। ये घटना है साल 2004 की, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले में घटना घटी थी। पाकिस्तान के गेंदबाज मोहम्मद शामी के नाम ये शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने कोलंबो में एशिया कप 2004 के एक ओवर में 17 गेंदें फेंकी थी। शामी ने तब एक ओवर में 6 लीगल के साथ 7 वाइड बॉल और 4 नो बॉल फेंकी थी। आज भी ये वनडे क्रिकेट में सबसे लंबे ओवर के रूप में दर्ज है। इस ओवर में उन्होंने कुल 22 रन दिए थे। कर्टली एम्ब्रोस की गिनती क्रिकेट इतिहास के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में की जाती है, लेकिन उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का सबसे खराब ओवर फेंका था। 1997 में हुए पर्थ टेस्ट में एम्ब्रोस ने टेस्ट मैचों का सबसे लंबा ओवर फेंका था। उन्होंने ओवर में नो बॉल समेत कुल 15 गेंदें फेंकी थी। अगर अब तक एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद डालने के रिकॉर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड के रॉबर्ट वेन्स के नाम क्रिकेट इतिहास में सबसे बड़ा ओवर डालने का शर्मनाक रिकॉर्ड है। उन्होंने घरेलू टेस्ट मैच के दौरान एक ओवर में 22 गेंदें फेंकी थी। तो आप इस शर्मनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड पर क्या कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए। साथ ही इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।